हेलो everyone, welcome वेलकम बैक टू YouTube channel. चैनल थैंक यू अंतरा फॉर रिक्वेस्टिंग दिस टॉपिक एंड is इज कॉल्ड एज जेम्स and एंड बैरी पॉजनर लीडरशिप पार्टिसिपेशन इन्वेंट्री या इसको थ्योरी भी आप कह सकते हैं आज मैंने अपने क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं मेंशन की है कि मैं कौन हूँ मैंने बस अपनी फिलोसफी बताई है कि मैं कि मैं कल भी टीचर था मैं आज भी टीचर हूँ और मैं आने वाले कल में भी टीचर रहूँगा काफ़ी सारे लोगों को तो उनकी सारी लाइफ निकल जाती है समझने के लिए उनका पैशन क्या है मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरे को अठारह उन्नीस साल पहले ही पता चल गया था कि मेरा पैशन क्या है और मैंने उस चीज़ को फॉलो भी किया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे आज बात करते हैं इस पर्टिकुलर मॉडल के बारे में इस थ्योरी के बारे में तो ये सारी थ्योरी क्या है उसके बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी का पार्ट है पहली चीज जो थ्योरी का पार्ट है, ये टाइप में आ जाता है तो ये का पार्ट है कौन से ईयर में आया था, तो? 1987 में आया था तो वाली थ्योरी है बेसिकली पब्लिश की थी एक बुक एक बुक निकाली थी लीडरशिप चैलेंज और उस बुक में इसका इस पर्टिकुलर मॉडल का उन्होंने जिक्र किया था अब वो मॉडल क्या है पहले ये समझते हैं इस मॉडल का जो की क्वेश्चन है इसी बात के ऊपर हुई है 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 कि अच्छा लीडर कौन हो हो सकता एक हो है? एक लीडरशिप क्या सकती और जो फॉलोअर्स होते हैं वो किस तरह के फॉलो करना पसंद करते हैं किस तरह के लीडर को फॉलो करना पसंद करते हैं तो ये दो क्वेश्चन को लेकर उन्होंने इस बुक में अपनी एक एक सर्वे डेवलप और वो जो सर्वे था उसी का नाम उन्होंने दिया लीडर पार्टिसिपेशन इन्वेंट्री तो ये जो मॉडल है बेसिकली ये मॉडल कुछ नहीं है ये मॉडल एक स्केल है एक सर्वे है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बनाया गया था किस चीज के लिए कि लीडर कौन से लीडर इफेक्टिव होते हैं कौन से लीडर को लोग फॉलो करना पसंद करते हैं उनके ट्रेड्स को निकालने के लिए और उन्होंने इसके बेसिस पर पांच क्वालिटीज या पांच करेक्टरिस्टिक्स को निकालने निकाला और वो करेक्टरिस्टिक्स क्या थे उसके बारे में आप डिटेल में बात करते हैं तो वो करेक्टरिस्टिक्स क्या -क्या, क्या क्या थे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स वॉज कॉल्ड एज रोल मॉडल सेकंड करेटिस्टिक्स वॉट कॉज एज इंस्पिरेशन थर्ड वॉज कॉल्ड एज फेसिंग एडवर्सिटी फोर्थ वन कॉल्ड एज इंपॉवरमेंट एंड फिफ्थ वन कॉल्ड जनरेट्स इंथ्यूजम इन पांचों चीजों के बारे में आप डिटेल में बात करते हैं फर्स्ट वन वॉज कॉल्ड एज रोल मॉडल तो रोल मॉडल में यहां पर क्या मतलब था कि लीडर जो होता है वो उसको एग्जाम्पलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पलर मतलब लीड बाय एन एग्जाम्पल आपको खुद से कुछ चीजों को करके दिखाना पड़ेगा आप ऐसा नहीं कर सकते लोगों को कि आप लोगों को कह दें कि आप बस करो ऐसे नहीं होता एक अच्छा लीडर वो होता है जो पहले खुद करके दिखाए और तब लोग उसको एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं कि भाई मेरा लीडर अगर ये काम कर सकता है तो मैं भी ये काम कर सकता हूं मस्ट इनिशिएट एक्शन आपको सारे एक्शन को इनिशिएट करना है इनिशिएट करके दूसरों को दिखाना है टू शो अदर्स इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स आपको सही तरीके से करके दिखाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली exactly आपको करना क्या है तो दैट इज द रीजन वाई एज अ लीडर यू कैन नॉट सिट आइडल आप सिर्फ ऑर्डर पास करते रहे वो अच्छा लीडर नहीं होता इनके इन्वेंट्री में जो पहला ट्रेड निकल कर आया था वो ये था कि एक अच्छा रोल मॉडल बनने के लिए पहले आपको लीड बाय एग्जाम्पल करना पड़ेगा प्लस एक चीज और ये थी कि यू मस्ट प्रेजेंट अ लीडर मस्ट प्रेजेंट हर और हिमसेल्फ एज अ केस ऑफ वट अ पर्सन शुड बी हाउ एक्शन शुड भी परफॉर्म तो एक रोल एक मॉडल बनने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि एक पर्सन को एक लीडर को कैसा होना चाहिए प्लस आपको किस तरह के एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए इन चीजों को आपको करके दिखाना पड़ेगा सो so दैट कि लोग आपको फॉलो करें लोग आपकी बात माने तो फॉलोअर मस्ट सी अ रोल मॉडल इन अ लीडर दैट दे मस्ट ट्राई टू फॉलो योर पाथ तो ऑब्वियसली अगर ये आप करने में कामयाब हो जाएंगे तो जो फॉलोअर्स है वो आपको एज अ रोल मॉडल ट्रीट करेंगे और वो आपके पाथ को फॉलो करने की भी कोशिश करेंगे द वन कॉल्ड एज इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन अब inspiration में क्या था कि leader must inspire towards goal. कि लीडर मस्ट इंस्पायर अदर गोल जो भी गोल्स बनाए जा रहे हैं चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर है फंक्शनल लेवल पर है डिपार्टमेंटल लेवल पर है किसी भी लेवल पर है, तो जो लीडर का रोल है जो तो लीडर का एक ट्रेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोगों को इंस्पायर कर पाए किस चीज के लिए उस गोल के लिए उस गोल को अचीव करने के लिए इफ द गोल्स आर क्लियर अगर गोल्स बिल्कुल क्लियर है देन दे नो वेयर दे स्टैंड एंड वेयर दे हैव टू रीच अगर लीडर ने गोल को सही तरह से समझा दिया तो क्या होगा कि उनको एग्जैक्टली exactly पता चल जाएगा कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं एज अ फॉलोअर एंड हमें कहां जाना है ये दोनों ही बातें उनको पता चल जाएंगी तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट दे नीड टू सी दैट देर इज अ डिजायर्ड एंड पॉइंट टू देर एक्शन एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फॉलोअर के लिए किसी भी आपके टीम मेंबर के लिए ग्रुप मेंबर्स के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो मैं जो ये एक्शन कर रहा हूं मैं जो ये सारे काम कर रहा हूं उसका एंड पॉइंट क्या है मैं कहां पहुंचने के लिए किस चीज के लिए इस काम को कर रहा हूं तो वो जो एंड पॉइंट दिखाना का जो काम है वो किसका है दैट इज द रोल ऑफ द लीडर मतलब of good leadership. कि कभी भी डरपोक नहीं नहीं, नहीं हो सकता, leader इतना fear नहीं, fearful नहीं हो सकता, सकता, इतना को फेयरलेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है और करेज होना उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम करेज एक और चीज जो बहुत जरूरी है दैट इज योर क्रिएटिविटी वाई क्रिएटिविटी बिकॉज आपको ये पता है कि यही वो ट्रेट है यही वो क्रिएटिविटी का जो ट्रेट है यही आपको दूसरों से अलग बनाता है एक बात जो हमें समझनी है वो यहां पर ये भी समझनी है एडवर्सिटीज आर बाउंड टू हैपन एट इज नॉट इन योर कंट्रोल आप जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पर भी आप एज ए लीडर काम कर रहे हैं वहां पर एडवर्सिटीज तो होंगी क्राइसिस तो होगा ही होगा बिकॉज वो आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन उन एडवर्सिटीज को आप कैसे फेस करते हैं आप कैसे उसमें अपने करेज का इस्तेमाल करते हैं कैसे अपने डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल करते हैं कैसे अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं वो सारी चीजें आपकी रियल कैरेक्टर को बताती है एज अ लीडर द फोर्थ वन वॉज कॉल्ड एज एम्पावरिंग अदर्स अब एम्पावरिंग अदर्स का मतलब क्या है लीडर कांट डू एवरीथिंग एट द ओन लेवल लीडर सबका सारे काम तो नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली उसको टीम चाहिए उसको लोग चाहिए तो वो जो लोग हैं उनको क्या करना है गेट अदर्स टू एक्ट उनको एक्ट करवाना है और एक्ट कैसे हो सकता है जब आप उनको इम्पावर करेंगे empower करना मतलब लोगों को उनकी वैल्यू बढ़ाएं उनकी वर्थ बढ़ाएं तो उससे ऑटोमेटिकली एज ए लीडर और आपके जो लीडरशिप की क्वालिटीज है वो निकलकर बाहर आएगी क्योंकि लोग आपको एडमायर करेंगे बिकॉज यू आर लेटिंग अदर पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट प्लस मोर इम्पोर्टेंटली उनको एक इंपॉवरमेंट का सेंस आना चाहिए जिससे कि फ्यूचर लीडरशिप भी तैयार हो पाए तो एज ए लीडर सिर्फ आप लीडर बने रहे ये नहीं है, आपको दैट इज द रीजन वाई जो फ्यूचर लीडरशिप को इम्पावरमेंट करने का जो काम होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एंड द फिफ्थ वन इज कॉल्ड जनरेटिंग द एंथुजियाज्म अब यहां पर क्या मतलब एक वाइटल कंपोनेंट लीडरशिप का क्या है कि दूसरों से सिर्फ उनको एक्ट नहीं करवाना उनको एक्ट विथ पैशन पैशन से करवाना है सिर्फ काम करवा लेना वो कोई बड़ा आर्ट नहीं है वो तो लोग डरा धमका के भी कर लेते हैं बट यहाँ पर क्या है लोगों को सेल्फ मोटिवेट कराना उनको पैशनेट बनाना काम के लिए दैट द रोल ऑफ द लीडर बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी इज द की आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एनर्जी लानी है यूनिटी लानी है कोर्डिनेशन लाना है तो उस सिचुएशन में आपका जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है पॉजिटिव एनर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिएट द कल्चर आपको कल्चर बनाना है एज ए लीडर गोल goal. Goal एक जैसा सबको नजर आए और उस विजन को पूरा करने के लिए सभी लोग एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़े तो दीज आर दाइव ट्रेड दैट वॉज आइडेंटिफाइड की एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज में इफेक्टिव लीडरशिप में ये पांचों चीजें होनी बहुत जरूरी है एज पर दिस इन्वेंट्री अब इस मॉडल की क्या अच्छी बातें थी उसके बारे में बात करते हैं पहली चीज जो इन्वेंट्री उन्होंने बनाई थी जो सर्वे बनाया था वो काफी रियलिस्टिक नजर आता है ये जो पांचों चीजें उन्होंने बताई हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि कुछ सुपरफिशियल है ऐसा लगता है कि हाँ ये पांचों चीजें अगर किसी के अंदर होंगी तो ऑब्वियसली ही विल बी अ गुड लीडर अच्छी बात यह भी थी कि जो उन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर्स बता दिए जो ये पांच फैक्टर्स उन्होंने बता दिए उसके बेसिस पर आप आराम से किसी को क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन लीडर है और कौन लीडर नहीं है क्योंकि आप बता सकते हैं कि किसी में एम्पावरमेंट करने की कैपेसिटी है या नहीं है कोई कितना करेज होल्ड करता है तो ये सारी चीजें जो है वो मेंशन की जा सकती है लिस्ट डाउन किया जा सकता है एक और अच्छी बात थी कि जो इन्वेंट्री इन्होंने बनाया था उसको यूज करके आप प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बना सकते हैं एमडीपीस बना सकते हैं जिसके थ्रू आप फर्दर लीडरशिप को लीडर को डेवलप किया जा सकता है तो ये कुछ अच्छी बातें थी इनके मॉडल में अब इसके क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर लेते हैं कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती इसमें काफी सारी क्रिटिसिज्म यहां पर भी नजर आते हैं तो पहला क्रिटिसिज्म था कि इस थ्योरी ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ द लीडर कि लीडर का जो स्पेसिफिक तो को, ये ये को भी मेजर नहीं किया कि जो फॉलोअर हैं उनकी विलिंगनेस उनकी एबिलिटी उनका रिस्पॉन्स लीडर के लिए कैसा है या वो किस तरह से इन पांचों ट्रेड्स को रेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरा मिसिंग पार्ट था जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे कुछ भी क्वांटिफाई नहीं किया गया जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए भी गए हैं उनका कोई इंपेरिकल ऐसा स्केल नहीं बनाया गया है ऐसा कुछ मेजरमेंट नहीं दिया गया है कि आप किसके बाद किस चीज को आप क्वांटिफाई करके पता चल सके कि हु इज अ गुड लीडर एंड हु इज नॉट

तो ये दूसरों को देंगे नहीं तो ऑब्वियसली रिसर्च ज्यादा हो नहीं पाएगा और इसी वजह से इस इन्वेंट्री को बहुत ज्यादा यूनिवर्सल नहीं माना जाता और जनरलाइज भी नहीं किया जा सकता तो आई होप आपको ये टॉपिक सारा समझ में आ गया हो कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स से पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग विल बी मीटिंग द नेक्स्ट वन वेरी सुन